करने हैं, जितना आप ठंडा पसंद करते हैं कस्टमर आपका या आप घर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो जूस का सिलसिला शुरू किया हुआ था, मिल्क शेक का सिलसिला शुरू किया हुआ था, वो भी जारी है, और जो रमज़ान शरीफ को लेकर के जो रेसिपियों का सिलसिला था कारोबारी हजरात के लिए, घर में खवातीन के लिए, वो भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त मिल्क शेक आज तैयार करने लगा हूँ। इससे पहले मैंने आपको केले का और खजूर का मिल्क शेक दिया, मिलियंस में उसके जो है ना व्यू हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बिजनेस भी कर चुके हैं और लोगों ने बहुत पसंद भी किया उसको। और मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि खाली केले का मिल्क शेक किस तरीके से तैयार होता है आप वो बताइए, मैं आप बताने लगा हूं, बहुत आसान और सिंपल। ये ना जी, एक ये जग लेने इसके साथ का, इसके अंदर ये केले में डालने लगा हूं, बहुत कमाल का। जो कारोबारी हजरात हैं वो भी मेरी बात समझ लें, और जो घर से खवातीन माएँ बहनें सुन रही हैं वो भी समझ लें। इसके अंदर मैंने केले शामिल करने हैं, ये देखें, एक जग है 1.5 लीटर वाला, बड़ी मशीन का जग है ये, 1.5 लीटर इसके अंदर जो है ना मिल्क शेक तैयार हो जाता है। ये बात जहन में रहे आपके, जो आपके पास जग छोटे होते हैं घर वाली मशीन की, ये वो जग नहीं है, ये जूस के जूस कॉर्नर पे जो मशीनें होती हैं बड़ी, उस साइज़ का ये जग है। ये बहुत ज़बरदस्त कमाल का मिल्क शेक। ये व्यूअर, ये 6 अदद केले, 4 पहले डाले, 2 आप डाल दिए, कंडेंस मिल्क है, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं ये लाजमी जाएगा। ये 1, ये 2 और ये 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क, ये शामिल कर दें आप। ये मेरे पास शुगर है अपने टेस्ट के हिसाब से, कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से, 1, 2, ये 3 और ये 4 टेबल स्पून इसमें शामिल होगी एक पूरे जग में। दूध है ठंडा मेरे पास, मैंने आपको पहले बताया ठंडा दूध इस्तेमाल होगा इसमें, और डब्बे वाला दूध इस्तेमाल होगा। यहाँ पर रखें, इसको चला लें, इसको बंद कर दें, और आइस क्यूब इसके अंदर इस टाइम शामिल करने हैं, जितना आप ठंडा पसंद करते हैं कस्टमर आपका या आप घर में, उतने आप इसके अंदर आइस क्यूब शामिल कर सकते हैं। इस टाइम पे आके आपने इसके अंदर बर्फ़ डाल के फिर इसको ऊपर रख देना इस तरीके से, फिर चला। मैंने इसको अच्छे तरीके से देखें ग्राइंड कर लिया, बहुत कमाल का, ये देखें, ये देखें इसका गाढ़ापन, इसके साथ का सट्रा बड़े वाला आप जो इसके अंदर लगाया करें, ये देखें इस तरीके से, इसके अंदर जो दूसरे छोटे सट्रा हैं वो इस तरीके से अम्ब्रेला वाला जो मैंने आपको बताया वो लगाया करें। मेरे इलाके के हिसाब से ये वाला जो है ये 200 रुपये का सेल होता है, ये वाला 150 रुपये का सेल होता है, ये वाला है इसको इस तरह रख देते हैं, देखें ये 200 रुपये का है मग बड़ा, ये 150 रुपये का सेल होता है डिस्पोजिबल जो है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने आपको बताया, इसके रेट का आप खुद अपने इलाके के हिसाब से देख लिया करें, मैं जो आपको रेट बताता हूँ अपने इलाके के हिसाब से बताता हूँ। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो और हमारा ये कदम अच्छा लगा हो जो हमने शुरू किया हुआ है, दुनिया में मुझे जहाँ देखा जा रहा है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, हमारा फेसबुक पे पेज है उसको लाइक कर दें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। आपकी सपोर्ट का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।